अगली बड़ी खबर बैतूल से, जहां पर ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर आईटी द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। अरिहंत धनश्री श्रीयस मामाजी प्रतिष्ठान पर सर्वे कराया गया। दो इस्पात व्यापारी और बिल्डर के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई। सात स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई अभी भी जारी है, वहीं जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर आईटी द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। अरिहंत धनश्री श्रीयश मामाजी प्रतिष्ठान पर सर्वे किया गया। दो इस्पात व्यापारी और बिल्डर के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। सात स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई अभी जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतिन खरे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अतिन, ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर आईटी विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कैसे की गई है कार्रवाई? जी बैतूल में आज आयकर विभाग ने एक बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें कुल सात प्रतिष्ठान है जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। जिसमें तीन ज्वेलर्स है, दो लोहे के कारोबारी है, एक बिल्डर है। इस प्रकार से कुल सात जगहों पर छापामार कार्रवाई की जानकारी हमें प्राप्त हुई है और आयकर विभाग अब दस्तावेजों को खंगाल रही है और जांच कर रही है। जी जी अतिन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर आईटी के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। अरिहंत धनश्री श्रीयश मामाजी प्रतिष्ठान पर सर्वे किया गया। दो इस्पात व्यापारी और बिल्डर के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई।